हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल दैट जोन। ऑन माई चैनल यू विल गेट फैशन, ब्यूटी, ट्रेवल, लाइफ स्टाइल वीडियोज एंड ब्लॉग्स। तो आज का जो ये वीडियो है वो अगेन एक फैशन हॉल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कॉटन मुलमुल की साड़ीज। ऑफकोर्स यार, समर सीजन में कॉटन की साड़ीज भी होनी चाहिए। अभी तक मेरे पास जो भी साड़ियाँ थी वो सब मेरी शादी वाली साड़ियाँ थी, बहुत ही हैवी थी। सो आई थॉट इस समर सीजन में मुझे अपने लिए कॉटन साड़ीज की शॉपिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ फेस्टिवल आ जाता है छोटा मोटा समर्स में, लाइक तीज आ गई या फिर और भी एक आधा छोटे मोटे फेस्टिवल आने वाले हैं, या फिर हम किसी के घर कथा में जाते हैं, तो कॉटन साड़ी अगर हम वेयर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो यही सोच के मैंने अपने लिए कॉटन साड़ियाँ ऑर्डर करी, और ये कॉटन साड़ियाँ मैंने अमेजन से ऑर्डर करी। इन सारी साड़ियों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए। इन कॉटन साड़ियों में अगर आपको अच्छी अच्छी पिक्स देखनी है मेरी, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल क्रिएटिव दीप्ति पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब बिना देर करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, फर्स्ट जो मेरी साड़ी है वो है ये, जो कि ऑरेंज कलर में है, और इस तरीके से यहाँ पे लेस की बूटियां हैं, जो कि जब आप पल्लू लेंगे ना तो ये लेस की बूटियां बहुत ही प्यारी लग रही हैं मेरे ऊपर। अभी मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे वेयर किया है या फिर मैंने इसको कैसे स्टाइल किया है। इसमें पूरी जो साड़ी है वो ब्लू कलर में है, नीचे इस टाइप का ब्लू कलर है, ये प्रिंट है जो कि नीचे पूरे दामन में आएगा, और ये है इसका पल्लू, और इसका जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन है। इसमें जो ये ब्लाउज है वो रेड कलर का ब्लाउज दिया हुआ है, और आप चाहें तो ये रेड कलर का ब्लाउज इस साड़ी के साथ सिलवा सकते हैं, बट मैं ये रेड कलर का ब्लाउज इसके साथ नहीं पहनूंगी। मैं इसके साथ देखती हूँ कुछ ब्लू कलर का ही क्रॉप टॉप वगैरह बाय करूंगी। अभी तो मैंने ऐसे ही घर पे जो क्रॉप टॉप था उसी के साथ आपको वेयर करके दिखा दिया है। थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जैसे तीज आ रही है या फिर वट सावित्री की पूजा होगी वो आ रही है, उन सारे ओकेशंस में पहनने के लिए मुझे कॉटन साड़ी लेनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये बाय करी है कि छोटा मोटा कुछ भी कथा वगैरह हो गई या ऐसे जगहों पे हमें जाना है तो उसके लिए भी साड़ी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा लुक देती है साड़ी। तो अब मैं भी ट्राई करूंगी थोड़ा थोड़ा साड़ी ज़्यादा पहनने के लिए। तो ये इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर लिया है, लाइक ऑरेंज एंड ब्लू का। पूरा ऑरेंज होता तो बहुत ही अजीब सा दिखता, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता, तो मुझे लगा कि ये दोनों जो मिक्स एंड मैच करके शेड है ना, तो ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। दैट्स वाई मैंने ये वाली साड़ी ऑर्डर करी है। और अगर हम कपड़े की बात करें तो इसका कपड़ा कॉटन कपड़ा है, वॉश करने के बाद आई डोंट नो कैसा होगा, कॉटन कपड़ा वॉश करने के बाद एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे सिमट सा जाता है, बट ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना, ये बहुत ही शीयर टाइप का फैब्रिक है, बहुत ही थिन फैब्रिक है, तो बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, बहुत ही अच्छे से वेयर हो गई है, और मुझे प्लेट्स वगैरह बनाने में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे स्टाइल किया है, और इसका ये जो लेस वाला बॉर्डर है ये जब पल्लू में आपके यहाँ पे आता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये है मेरी फर्स्ट साड़ी, और ये सारी साड़ियाँ 1000 रुपीज़ की रेंज की हैं, तो ये भी 999 या 1045 ऐसे इस रेंज की साड़ी है, इससे ज़्यादा की साड़ी है नहीं, ये सारी साड़ियाँ 1000 की ही रेंज की हैं। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी आप देख सकते हैं, और पूजा वगैरह के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट साड़ी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साड़ी की तरफ। नेक्स्ट जो साड़ी है वो मेरी काफ़ी स्मार्ट साड़ी है, स्मार्टी टाइप की जो लुक देती है वो है साड़ी, और अगेन कॉटन की साड़ी है। तो ये है मेरी नेक्स्ट साड़ी, ये इसमें भी मैंने इस तरीके का बूटी वर्क वाला लिया है, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये कितना अच्छा लग रहा है ना अगर पल्लू में है तो, मैंने जो पिक्चर्स देखी थी उसमें ये पल्लू में दिख रहा था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, इस वजह से मैंने ये साड़ी ली। ये यहाँ पे बूटियाँ बूटियाँ हैं पल्लू में, और जो सेंटर पोजिशन है वहाँ पर भी बूटियाँ बूटियाँ ही हैं, बट पल्लू इस तरीके से अलग किया गया है। ये है मतलब बॉर्डर टाइप का इसमें प्रिंट है जो कि पल्लू को अलग करती है, और बाकी ये पूरे साड़ी में इस तरीके की बूटियाँ बूटियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरीके से स्टाइल किया है, बहुत ही परफेक्ट स्टाइलो टाइप का जो साड़ी होती है ना वो है ये। आपको छोटी मोटी पार्टी में जाना हो, स्टाइलिश वाली पार्टी में, तो इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वर्क प्लेस पर जाना है तो इसको नॉर्मल अच्छे से प्लेट्स लगा के स्टाइल भी कर सकते हैं। तो उन दोनों ही तरीके से ये साड़ी बेस्ट साड़ी है, और जो अगर हम उसकी बात करें कि कपड़े की, तो ये बहुत ही प्यारा सा फाइन सा कॉटन कपड़ा है,
और मुझे नहीं लग रहा कि ये वाली साड़ी वॉश करने के बाद बहुत ही वैसी सी हो जाएगी जैसे कॉटन साड़ियाँ सिमट के बिल्कुल वैसी सी हो जाती है, क्योंकि इसके कपड़े को छू के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छे से बैठेगी। तो ये मुझे मेरी है सेकेंड साड़ी, बहुत ही अच्छी लगी मेरी सेकेंड साड़ी मुझे। ये है इसका ब्लाउज जो कि दिया हुआ है, बट मैंने ये वाला ब्लाउज नहीं वेयर किया अभी, मैंने जितने भी क्रॉप टॉप पे थे उसके साथ आपको वेयर करके दिखा दिया। वाइट कलर में इसका ब्लाउज है, आप चाहें तो इसको भी इससे ब्लाउज सिलवा सकते हैं, बट मैं इससे नहीं सिलवाऊंगी, मैं तो वाइट कलर का क्रॉप टॉप ही इस पे वेयर करूंगी। तो ये है मेरी सेकेंड साड़ी। सो गाइस, थर्ड जो मेरी साड़ी है वो है ये येलो कलर की साड़ी, येलो एंड वाइट जो कॉम्बिनेशन है, येलो वाइट ग्रीन कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, अगर ये ग्रीन एंड वाइट एंड येलो में कॉम्बिनेशन कहीं पे भी होता है, सूट वगैरह में भी होता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही कूल सूदिंग सी साड़ी है ये। ओके, तो ये है इसका येलो कलर का ब्लाउज, आप चाहें तो इसे सिलवा सकते हैं, बट मैं जो इसके साथ कॉम्बाइन करूंगी, अभी तो मैंने येलो कलर का क्रॉप टॉप पहन लिया है, मैं बाद में इसके साथ इस ग्रीन कलर का क्रॉप टॉप को ही कम्बाइन करूंगी जब मैं इसको वेयर करूंगी। और ये साड़ी अगर वर्क प्लेस पे जाना है प्लीट्स लगा के तो उसके लिए परफेक्ट साड़ी है, मैं तो ये कहूँगी उसके लिए ये साड़ी बिल्कुल ही परफेक्ट है। बहुत ही प्यारी साड़ी है, सूदिंग सा कलर है, समर के लिए बहुत ही अच्छा है। और यार समर में आपको और क्या चाहिए यार, स्टाइलो बन के हम घूम रहे हैं इस तरीके की कॉटन साड़ियों में, और इससे ज़्यादा समर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये सारी जो लाइट वेट साड़ियाँ हैं ये बेस्ट होती हैं, इसमें स्टाइल भी अच्छी बन जाती है और प्लस हमारा साड़ी वाला काम भी हो जाता है। तो यही सोच के मैंने ये सारी साड़ियाँ ऑर्डर करी। सो गाइस, यही थी मेरी सारी साड़ियाँ। ये सारी साड़ियाँ 1000 की रेंज की हैं, और अगर आपको ये साड़ियाँ पसंद आई हों और आप भी बाय कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।